नहीं, एक ही वर्ड बोलेंगे, जो हमारा जो रक्षाबंधन का मेन मकसद है, जो बहन लोग हमारा हाथ में राखी बांधे हैं, उसके बाद हम उसमें कुछ शपथ भी लेते हैं, जो हमारा जो बहन है, जो भी बहन है, वो उन्हीं को सभी का रक्षा करना हमारा एक तो बॉर्डर गार्डिंग का ड्यूटी है। उसके बाद जो ये ड्यूटी भी एक अलग तरीके से है, जो ड्यूटी हम जो हमको घर में जाके सिस्टर जो बहन है वो जो उम्मीद करके बैठा हुआ तो हम जा नहीं पाए बोल के जो हमारा दिल में रहता है, वो आप लोग आने के बाद बहन जो भी आज का दिन में जो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है जो घर में गया नहीं कि फिर भी हम उसको तैयार सेलिब्रेट करके जो हमारा घर का बहन का जो कमी है ये पूरा हो जाते हैं। तो इसको एक अलग से इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो एक अच्छा लगता है इसका। नहीं, ये तो जो रक्षाबंधन का मेन मकसद जो हमारा वो तो है बहन का रक्षा करना है, वो तो हमारा फैमिली का है जो घर का है, लेकिन उसके बाद भी जो और भी बहन है मतलब उसका रक्षा करने का भी, जैसे सिविलियन के भी हमारा BSF का फर्ज बनता है, तो हम बॉर्डर में जो ड्यूटी कर रहा उसमें तो ये पूरा कर नहीं पाते, लेकिन उसके बाद इधर आने का बाद जो हम प्रोग्राम करते हैं उस टाइम महसूस होता है जो रक्षाबंधन का उन लोग कितना इंस्पिरेशन हमारे पास आया, जो उनका भी अच्छा लगता है, जो इनका जो कमी है जो घर में जा नहीं पाया सेलिब्रेट कर नहीं पाया, इधर आके जब हाथ में राखी बांधते तो हमको महसूस होता है जो हमारा बहन इधर ही है, घर में नहीं है, तो ये बहन है हर जगह में ही है, तो इनका रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है BSF का तरफ से, जवान का तरफ से। हाँ, घर का तो याद आएगा, लेकिन हमारा जो पहले बॉर्डर गार्डिंग है उसके बाद हमारा छुट्टी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसके लिए हम इधर आया भर्ती हुआ, तो हम पहले बॉर्डर को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सेंसिटिव बॉर्डर छोड़ के हर आदमी को हम छुट्टी भेज नहीं पाते, तो पहले बॉर्डर उसके बाद हम घर का वो काम पूरा करते। पवित्र रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन तो प्रतिबारे पालन करूँ। आमी आमार সীমামূরিয়া অঞ্চলত কর্মরত BSF জওয়ান, CRPF জওয়ান, আর্মি জওয়ান এওঁলোকৰ লগত রক্ষাবন্ধন মূলত পালন করুন, কারণ এওঁলোকে দেশের বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আমার বর্ডারসমূহ সীমাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ দি আছে। এওঁলোকে যাতে বুজি নাপায় এওঁলোকে বেলেগ ঠাইত আছে, কোনোবা বেলেগ পরবর্তী বেলেগ অন্য অঞ্চলত আছে, এওঁলোক যে আমার ভাতৃ, আমিও যে এওঁলোকৰ যে সমাজৰ একেই মানুহ, সেই কারণে এওঁলোকৰ অভাব, সেই অভাব পূরণ কৰিবলৈ আমি প্রত্যেক বছরে আমার ভন্টী ভনীসকলে আহে, আহি তেওঁলোকক রাখি পিন্ধায় আর তেওঁলোকৰ দীর্ঘায়ু কামনা করে। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি ইয়াত ধুবুরীত আহিছো। কেবল ধুবুরীতে নহয়, আমার ধুবুরী জেলার যিমানখিনি BSF ক্যাম্প আছে, BOP আছে, সবতে আমার টিম গৈছে, গৈ তাত BSF জওয়ানসকলক, কিছুমান ঠাইত CRPF জওয়ানসকলক, কিছুমান ঠাইত আমার অসম পুলিশের জওয়ানসকলক আজি রাখি পিন্ধাব আর পবিত্র রক্ষাবন্ধন কার্যক্রমটুক এনেকৈ অতিক্রম করি।